प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शिवी ऋषि है, मैं कंजीट्यूएंट एम्प्लॉइज बुक यूनियन जम्मू कश्मीर का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं आपकी वसादत से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम थक चुके हैं एहतजाज करते करते। मैं एलजी साहब से पुरजोर गुजारिश करता हूं, आप तो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, क्या यही दावे हैं आप कर रहे हो कि जमहूरियत में अदल इंसाफ ना हो? हम उस जमहूरियत पर यह भरोसा कैसे करें? आप देखिए 2017 से लेकर टिल डेट तक हम विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं, हम विदाउट वेजेस काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, हमारे माँ बाप सफर हो रहे हैं। इस महंगाई के दौर में हमारे जो बच्चे हैं किस स्कूल में जाए? हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं है, उतना ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को महीना फीस दे सकें। अगर 5 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो 5 के बाद जितने भी कंट्रीब्यूट पेड एम्प्लॉयज यूनियन है या लोग जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोल एजुकेशन में कुकस है या लैंड डोनर्स है, हमारी इनसे स्टेट की तरफ से वैसे भी मौजवाना गुजारिश है, वो अपने अपने घरों में बैठ जाए और हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अगर खुदा न खास 5 तारीख के बाद किसी स्कूल में चोरी हो गई या किसी स्कूल में कुछ गुम हो गया, ना ही हम नाइट ड्यूटी पर जाएंगे, ना ही हम स्कूलों की सफाई करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त स्कूलों में करोड़ों करोड़ों का माल है, उस माल की जो देखभाल कर रहा है वो कंडीशन पेड वर्कर कर रहा है। अगर आप देखोगे स्कूलों की सफाई वो कंडीशन पेड कर रहा है, अगर आप देखोगे बाथरूम की सफाई वो कंडीशन पेड कर रहा है। इसलिए हमने फैसला लिया 5 तारीख के बाद हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। अगर स्कूल में चोरी हो गई, जिन्होंने लैंड फराम की है, मेरी मौजबाना गुजारिश होगी लैंड डोनर से भी वो भी अपने अपने घरों में तशरीफ रखे ताकि महकमे एजुकेशन को ये लगे कि हमें वाकई इस महकमे की जरूरत है या ना। अगर नहीं है हम हमारे हक में एक्ट का ऐलान किया जाए और जो असर 308 हम पर इजरा किया गया है उस असर में आप देखिए जिसने पीएचडी किया है वो आज ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 पर काम करता है, 24,000 पोस्ट पर पीएचडी लड़का काम कर रहा है, और जिन्होंने हमारी लैंड दी है आबादी लैंड उनको असर 520 में मुंतकल किया जाए।